गाजीपुर से अभिषेक राजकिशोर पाल पत्रकार की रिपोर्ट। इन्हें 48 घंटे पहले छोड़ना होगा जिला। गाजीपुर त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन पंचायत 2021 को सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से समस्त जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, आरओ, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्षों के साथ जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह अध्यक्षता में एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की उपस्थिति में बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों से कहा कि चुनाव के मद्देनजर जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिस हेतु सभी को आदर्श आचार संहिता पालन करना एवं कराना आवश्यक है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% पालन करते हुए पूरे मनोयोग से दृढ़ संकल्पी अब निष्पक्ष होकर जनपद का चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मतदान से पूर्व, मतदान के दिन, अब मतगणना तक कौन कौन से कार्य किए जाने हैं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए निर्देश दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार में प्रत्याशी की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप अपनी निष्पक्षता अवश्य बनाए रखेंगे। चुनाव प्रचार लगे वाहन तथा प्रचार हेतु जनसभा की भी पूर्व में अनुमति लेनी होगी। यदि कोई भी वाहन जनसभा बिना अनुमति के पाए जाते हैं तो उस पर कार्यवाही का निर्देश दिया। जनपद में आचार संहिता लागू है, इस हेतु किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, विद्युत पोल, टेलीफोन पोल पर बैनर या होर्डिंग नहीं लगेंगे एवं चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि आज शाम तक सभी चुनाव प्रचार प्रसार से संबंधित बैनर पोस्ट हटा दिए जाए। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार का प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर के माध्यम से नहीं होगा। मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे। इस दौरान बहुत के मतदाताओं के अलावा बाहरी कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में या ग्राम पंचायत में निवास नहीं रहेगा। मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा और 200 मीटर पहले ही सामान्य वाहनों को रोकने का निर्देश दिया। किसी भी वृद्ध या विकलांग को जो चलने योग्य नहीं होंगे उन्हें ही बूथ तक ले जाने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति जो जिले का निवासी नहीं है चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले जिला छोड़ देंगे। अधिकारी चुनाव प्रचार के अनुमति क्रमानुसार ही जारी करेंगे, कहीं भेदभाव की शिकायत न आवे। सभी निर्वाचन अधिकारी आज ही निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर अपने अपने क्षेत्र की अधिसूचना जारी करेंगे। समस्त प्रभारी अधिकारी जिस कार्य हेतु नामित किए गए हैं वे अपनी अपनी कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराएंगे। समस्त जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट समस्त क्षेत्रों के मतदान केंद्रों, मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए वहां कोई भी बदलाव होने की दशा में उसकी सूची उपलब्ध कराएंगे तथा जिन जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहां यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि समस्त वोटर लिस्ट की शिकायतों का निस्तारण कल तक प्रत्येक दशा में शून्य कर ले तथा उसकी सूचना भी देंगे। संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं जिला मुख्यालय पर अपर मुख्य अधिकारी पंचायत का दायित्व होगा नामांकन, पार्टी रवानगी, मतगणना स्थल जहां जहां बन रहे हैं वहां की तैयारियां जायजा लेते हुए कार्य कराएंगे। उन्होंने कहा कि आज से ही नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो जाएगी जो संबंधित विकास खंड पर BDO की निगरानी में होगा। पुलिस अधीक्षक डॉ० ओम प्रकाश सिंह ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया और प्रचार सामग्री, धरना प्रदर्शन स्थलों पर पैनी नजर रखी जाए तथा अनाधिकृत रूप से लगाए गए बैनर पोस्टर को तत्काल एक अभियान चलाकर हटाने का निर्देश दिया तथा जनपद में क्रिमिनल हिस्ट्री शीट को चिन्हित कर उस पर निरोधात्मक कार्यवाही का निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने समस्त जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर ले कि कहीं कोई कमी तो नहीं है जिसे समय रहते सही कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर बूथ मैनेजमेंट सही होगा तो चुनाव भी सही तरीके से संपन्न होगा। इस हेतु सभी अधिकारी भौतिक सत्यापन कर AMF तथा वहां की संवेदनशीलता की भी जानकारी लेंगे। बैठक में मुख्य पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजधारी चौरसिया, मुख्य चिकित्साधिकारी JC मौर्य, समस्त जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, RO, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रभारी,